हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज जो हम करने जा रहे हैं वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, और ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। इस क्वेश्चन को हमने तीन मेथड से सॉल्व करा है, यानी तीन तरह की वेरिएशन है इसको सॉल्व करने में, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यार क्या ये सारे मेथड्स ठीक है कि नहीं। तो आइए जल्दी से क्वेश्चन में एंटर करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अच्छे से समझिएगा, नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है टैन पाई अपॉन 8। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी यहाँ एवीटी में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम स्टार मार्क कर देते हैं कि ये एक स्टार क्वेश्चन है, और मैं तो बोलूंगा कि ये एक सुपर स्टार क्वेश्चन है। तो हम इसे तीन मेथड से करने वाले हैं। पहला मेथड वो देखते हैं जो ज्यादातर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो पहला मेथड क्या है, यूजिंग दी मल्टीपल एंगल ऑफ टैन, यूजिंग दी फॉर्मूला टैन टू थीटा इज इक्वल टू 2 tan theta अपॉन 1 minus tan square theta। अब देखो, अगर मैं थीटा को पाई बाय 8 ले लेता हूं, यानी 45 डिग्री अपॉन 2, यानी 22 1/2 degrees, यानी 22 डिग्रीज 30 मिनट्स, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 45, और tan 45 बड़ी आसानी से सबको मालूम होता है 1 होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां फिक्स कर दूं tan pi by 4, तो दूसरी तरफ मेरे पास आ जाएगा 2 tan pi by 8, और नीचे आ जाएगा 1 minus tan square pi upon 8। यहाँ प्लेलिस्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग हॉट्स, उन सबको जरूर करिएगा। ये देखिए, tan pi by 4 1 हो गया है, और अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये देखो एक क्वाड्रेटिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि शायद आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और अब मैं सब कुछ पहले राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा और इंटरचेंज कर दूंगा, तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा। और देखिए, इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है। जिन बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है वो लेट कर लें, और मैं यहां डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। टेन पाई बाय 8 इज -2 ± √B² - 4AC। सो ये देखिए, 4 माइनस टाइम्स ऑफ 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2A, यानी 2 × 1। यहां देखिए, तो हमारे पास आ जाएगा टेन पाई बाय 8 इज इक्वल टू -2 ± √8 / 2। रूट 8 आप जानते हैं, ±√2/2। और अब यहां देखिए, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, मैंने बाद वाली टर्म को पहले लिख लिया है। ये देखिए, अब आप कहेंगे सर एक टर्म को रिजेक्ट करिए, क्यों भाई, क्योंकि पाई बाय 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर टेन पाई बाय 8 कोई भी रेशियो की जो आउटपुट होगी वो पॉजिटिव होगी। देयरफॉर रिजेक्टिंग -√2 - 1 एंड एक्सेप्टिंग टेन पाई बाय 8 इज इक्वल टू √2 - 1, ये इसका आंसर हो गया है। बच्चों देखिए कितनी आसानी से हो गया है ये question. ये था पहला मेथड, और अगले दो मेथड्स में बढ़ने से पहले आप टीनेजर्स को ये बात जरूर समझनी होगी कि अगर किसी भी टारगेट को, जो भी टारगेट आपने बनाया, अगर उसको अचीव करना है तो आपको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहना होगा। और जहां तक फिजिकल एक्टिविटी की बात है, आउटडोर गेम्स धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही हैं, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व करते हो, एक बार आप फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हो तो आप चीजों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके पास होता है। तो ऐसे ही हम कुछ इंथुजियास्ट को जानते हैं जो हर किसी को मोटिवेट करते रहते हैं आउटडोर गेम्स के लिए। कौन है ये ग्रुप, क्या करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, इनके बारे में मैंने यहां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप जरूर एक बार इनकी वेबसाइट पर जाकर और इन लोग से बात करके देखिए, ताकि ये भी आपको मोटिवेट कर सकें कि आप किस तरह से अपने घर के आसपास या किसी ग्रुप के थ्रू, टीम के थ्रू आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आओ बच्चों, अब हम बाकी दोनों मेथड्स पे चलते हैं।
बच्चों अब ये रहा सेकेंड मेथड, और सेकेंड मेथड के लिए ये देखिए, ये हम यहां इस तरह से लिख रहे हैं और ये टैन थीटा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हां भाई टैन थीटा का ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, तो आप इसे अलग से डिराइव करके दे देंगे तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ध्यान से देखिए, साइन टू थीटा को क्या लिखा जा सकता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे कॉस टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि टेन लाना है तो ऊपर साइन बचाना पड़ेगा। ये देखिए वन और माइनस वन मैंने कैंसिल कर दिया, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आ गया टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आप फेयर वर्क में पूरा प्रेजेंटेशन भी दे देंगे तो भी क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो ये आ गया टेन थीटा हमारे पास। तो मैं फॉर्मूले को एक बार फिर से लिख रहा हूं यहां पर, टेन थीटा इज इक्वल टू, आप यू लिखेंगे वी नो दैट। अब देखिए फिर से यहां मल्टीपल एंगल और हाफ एंगल की बात हो रही है। अगर मैं यहां टेन पाई बाय एट लिखूं बच्चों, तो इस तरफ मुझे लिखना पड़ेगा साइन पाई बाय फोर, और नीचे वन प्लस कॉस पाई बाय फोर। नोन वैल्यूज हैं, साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम होते हैं। देखिए यहां तक हम पहुंच गए। एलसीएम आप ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे आप, और एलसीएम लेने के बाद मैं एक एक स्टेप यहां कर रहा हूं, आप चाहें तो कुछ स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आंसर आ गया, और अब आप समझ गए, आप कहेंगे सर अब हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे। ये देखिए, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हुए नीचे वन आ जाएगा, और आंसर ये आ गया रूट टू माइनस वन, और ये सेम आंसर आ रहा है। देखिए तो ये था सेकेंड मेथड। आइए अब थर्ड मेथड की तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड मेथड के लिए भी आप यूं लिखते हैं कि वी नो दैट और आगे आप प्लस माइनस लगा देते हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों, तो आप इसको भी डिराइव कर देना, क्या प्रॉब्लम है। देख रहे हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर में या वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ये देखो मेरे बच्चों, यहां तक पहुंच गए आप, टू साइन स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां आगे प्लस माइनस आया हुआ है। तो ये देखिए, तो हम यहां लिखते हैं वी नो दैट, और अगर ऑलरेडी आप लिख चुके हैं तो दोबारा ना लिखें, टैन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस टू थीटा। अब फिर से देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ एंगल है, और उसी के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड पर मल्टीपल एंगल है। अब बिकॉज पाई बाय एट इज नाउ बिलोंगिंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफोर टैन पाई बाय एट is a positive quantity, so this implies that tan pi by 8, अब आगे plus minus लिखूं कि सिर्फ plus लिखें, सिर्फ plus लिखें, और ये देखो यहां तो sin 45 भी नहीं है, cos 45 है। value put कर देंगे, और value put करने के बाद आपके पास इस तरह से एक expression आ जाएगा। LCM ले लिया है मैंने, यहां numerator के अंदर जो denominator था root 2, और denominator में का जो डिनोमिनेटर था रूट टू, उनको कैंसिल कर दिया, ये आ गया हमारे पास। अब आप कहेंगे सर अब क्या करें, तो आंसर अलग है, तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन आप खुद जानते हो नीचे आप इरेशनल टर्म नहीं रखते, तो उसके लिए आप क्या करते हो, विद इन दी स्क्वायर रूट आप रूट टू माइनस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो। ध्यान से देखिए आप, तो ऊपर तो आ गया है बच्चों होल स्क्वायर, और नीचे आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये देखिए हमारे पास ये बच गया, और ये वैल्यू हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि पॉजिटिव होगी। तो यहां जो आंसर है स्क्वायर और रूट कट गया, ये है रूट टू माइनस वन। तीनों मेथड से हम इस आंसर तक पहुंचे हैं बच्चों। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई एम श्योर कि आप इसी तरह से हर क्वेश्चन पे नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।